हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। आज हम आपको शवरमा या शावरमा, आप इसको जो भी कहते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने अंदाज में आप इसको जो मर्जी कह लें। अब हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट पर। इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल हैं। इसमें हमने सबसे पहले सैलेड बना लेना है और सैलेड में हमने इसमें हमने कैबेज यानी गोभी, खीरा यानी क्यूकम्बर और अनियन यानी प्याज और टमाटो यानी टमाटर इसमें शामिल कर देने। ऊपर से ब्लैक पेपर और नमक शामिल कर देना है। अब हमने कीमा तैयार कर लेना है, उसमें हम प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमारे पास लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और आप जो भी आप स्पाइसेस आपको अच्छे लगते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। पहले आप इसको मैरिनेट करके रखना चाहें तो वो भी आप कर दें और इसको अच्छी तरह से जो है वो कढ़ाई में पका लें। 5 से 10 मिनट तक आप इसको पकाएंगे और ये चेस्ट का कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमने शवरमा ब्रेड बाज़ार से ले लेनी है और अगर आप बाज़ार से नहीं ले सकते तो आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। यानी मैदा लें, उसमें खमीर डालें और उसको गर्म पानी के साथ गूंद लें, ना वो सख्त हो ना वो नरम हो। उस डो को तैयार करके आप बेक कर लें, बेक नहीं है तो आप तवे पर पका लें और वो आपकी शवरमा ब्रेड रेडी हो जाएगी। और अगर नहीं है तो ये बहुत ईजिली चीप प्राइस में बाज़ार में अवेलेबल है, आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए। उसको हमने शवरमा ब्रेड को हमने तवे पर रखना है, उसको दोनों तरफ से हम ब्राउन कर लेंगे ऊपर ऑयल लगाकर। और ये मामा की टाइम बचाओ ट्रिक कि उन्होंने एक के ऊपर एक रख दिया ताकि टाइम बचे और जल्दी डबल जो वो बन जाए। और अब हम इसको असेंबल करेंगे, यानी जो भी चीज़ें हमें बनाई हुई थी उसको हमें प्रॉपरली इनमें असेंबल कर लेना है। ऊपर केचप लगानी है मायो अगर आपके पास है और अगर आपको जो है अवेलेबल है आप लगा लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना लगाएं। मैंने भी नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मायोनीज़। हमने सैलेड असेंबल कर लेना है, चिकन जो हमने तैयार किया था चेस्ट का कीमा हमने वो लगा देना है। उसके बाद हमने इसको टूथपिक के साथ इसको पैक कर देना है ताकि ये इसमें जो असेंबल चीज़ें हैं वो बाहर ना आ सके। यहाँ हमारा मज़ेदार सा शवरमा तैयार है। आप लोगों ने ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।